हमारे चैनल विशाखा व्यास शर्मा आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो। जी हाँ, दिस इज द हेयर मेहंदी के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और जो मेहंदी मैं रूटीन फॉलो करती हूँ वही पेस्ट मैं आपको बनाना बताने वाली हूँ। और साथ ही गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि जो हेयर्स पे रेड कलर आता है वो जिनके वाइट हेयर्स होते हैं उन पर रेड कलर आता है, जिनके ब्लैक कलर्स होते हैं हेयर के उन पर थोड़ा सा लिटिल बिट कलर चेंज होता है, ऐसे रेड और ऑरेंजिश कलर नहीं आता है। और रही बात मेहंदी की मेरी रूटीन की, तो मैं सिर्फ 2 से 3 महीने में एक बार ही मेहंदी का पेस्ट बालों में लगाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। अभी मैं विंटर्स फिनिश हो चुकी हैं और मैं जो पेस्ट लगाने वाली हूँ वो हम रेमेडीज में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से रात को लोहे के बर्तन में मेहंदी गला दी थी, और जैसा कि मेरे पास लोहे का बर्तन काफ़ी बड़ा है तो दैट्स वाई मैंने अलग से निकाल ली है। और इतना जो पेस्ट है ये मेरे जितने लॉन्ग हेयर्स के लिए इनफ होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी थिक पेस्ट है और इसकी थिकनेस हमें थोड़ी सी लगाते टाइम अपने अकॉर्डिंग पतली करनी पड़ती है। और सेकेंड इन्ग्रीडियंट है यहाँ पर, ये मैंने एक बनाना का पेस्ट बनाया है, और बनाना जो होता है वो हेयर्स के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये हेयर कंडीशनिंग का काम करता है। सो आप बनाना यूज़ करें। केला, आप एक केला मैंने यहाँ पर इसका पेस्ट लिया है। थर्ड मैंने लिया है यहाँ पर शहद, और ये किसी भी कंपनी या ब्रांड का शहद नहीं है, ये हमने गाँव से जो ओरिजिनल जो बंदे बेचते हैं निकालते हैं मधुमक्खी के छत्ते से, उसी शहद को मैं हम लोग मंगवाते हैं हमारे फैमिलीज में, तो मैंने वही क्वांटिटी ली है और ये 1 टेबलस्पून है। और नेक्स्ट मैंने लिया है ये विटामिन ई की कैप्सूल, और एक कैप्सूल एक बार के लिए काफ़ी इनफ है। और नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पर गुड वाइब्स टी ट्री एसेंशियल ऑयल, और इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर किया है और आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। सो एसेंशियल ऑयल को हम डायरेक्टली हेयर्स पर अप्लाई नहीं करते हैं, और इसे हमें किसी न किसी में मिक्स करके ही अप्लाई करना होता है। सो मैं इसे अपने मेहंदी के पेस्ट में मिलाने वाली हूँ। और नेक्स्ट मैंने लिया है ये कॉफ़ी पाउडर, और मैंने कॉफ़ी पाउडर बहुत ही कम लिया है बिकॉज मैं सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए बना रही हूँ यहाँ पर मेहंदी का पेस्ट। एंड सेकेंड चीज़ की मैंने जो ये मेहंदी का पेस्ट बनाया है उससे थोड़ा सा चाय पत्ती का जो पानी होता है उसमें उबाल, उस पानी को चाय पत्ती में उबाली करके उसमें मेहंदी का पेस्ट बनाया है। सो मैंने यहाँ कॉफ़ी पाउडर बहुत थोड़ा लिया है। अगर आप चाय पत्ती के पानी को अच्छे से ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो आपको कॉफ़ी पाउडर की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आप दोनों में से कोई एक भी मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें मिक्स करते हैं कॉफ़ी पाउडर, ये इस तरह से कॉफ़ी पाउडर मैंने मिक्स कर दिया है। एंड सेकेंड हम इसमें ऐड करेंगे ये बनाना पेस्ट। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से ये मैंने बनाना पेस्ट को मिक्स कर दिया है। एंड अब मैं इसमें डालती हूँ नेक्स्ट शहद। जी हाँ, शहद भी हेयर कंडीशनिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सो आप जैसा भी शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डाबर हनी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पतंजलि का शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये मैंने इसमें मिक्स किया है शहद। एंड नेक्स्ट मैं इसमें डालने वाली हूँ एसेंशियल ऑयल। जी हाँ, एसेंशियल ऑयल की 3 से 4 बूंदें ही इनफ है, आप देख सकते हैं। इसमें ना ऐसे ड्रॉपर नहीं आता है, इसमें कुछ इस तरह से मैंने इसमें यहाँ पर कुछ 4-5 बूंदें इसमें डाल दी हैं। सो दिस इज़ वेरी नाइस। और अब हम डालेंगे विटामिन ई की कैप्सूल। सो मैं इसे सबसे पहले निकाल लेती हूँ, और इसे आपको कैंची से कट करना होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विटामिन ई की कैप्सूल है जिसे मैंने सीजर से कट कर दिया है, और इस तरह से हम इसमें डालेंगे, जो कि हेयर में वैसे शाइनिंग का काम करता है, हेयर फॉल होने से भी बचाता है और काफ़ी अच्छे फ़ायदे होते हैं इसके। सो मैंने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर दी हैं, और अब मैं इसे पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मैं थोड़ी सी पतली करूँगी, जब भी मैं लगाऊँगी तभी मैं इसको इसको थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके और इसमें थोड़ा सा थिन करूँगी। सो दिस इज़ द माई पेस्ट, और
आप ना मेहंदी लगाने के लिए एक मैं आपको टिप ज़रूर देना चाहूँगी साथ में, आप ना मेहंदी लगाने से पहले अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लीजिए। आप हेयर में कोई भी किसी भी प्रकार का स्किन से छूटा हुआ या फिर हम जो हेयर में ऑयलिंग करते हैं, ऑयलिंग नहीं रहना चाहिए, उससे मेहंदी का ना बिल्कुल बालों में इफ़ेक्ट नहीं होगा। और आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी डार्क कलर की मेहंदी लग रही है, बिकॉज इसे मैंने लोहे के बर्तन में गलाया था और उसका जो आयरन छूटता है उससे कहीं ना कहीं मेहंदी थोड़ी सी ब्लैकिश ब्लैकिश हो जाती है। सो उससे आप बिल्कुल डरे नहीं और इसे आप बिल्कुल अप्लाई करें। बिल्कुल सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं और बालों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। इससे आपके हेयर सिल्की हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। और वन अनदर टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि बिल्कुल आप हेयर मेहंदी लगाने के बाद अपने हेयर को वॉश कर लें आधे से पौना घंटे के बाद, एंड उसके बाद आप रात को सोने से पहले हेयर पे अच्छा सा ऑयलिंग मसाज करें अच्छे से, बहुत जितना हो सके उतना ऑयलिंग मसाज करें। और उसके बाद आप नेक्स्ट डे ही शैम्पू करें, जिस दिन आप मेहंदी लगाएं उस दिन शैम्पू ना करें, उस दिन सिर्फ आप नॉर्मल वॉर्म आप चाहें तो गुनगुना पानी भी कर सकते हैं और अच्छे से मेहंदी को बिना पूरा सूखने दे ही हेयर वॉश करें। बिकॉज अगर मेहंदी पूरे तरह से सूख गई आपके बालों में तो वो छूटना बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो आप इसे बिल्कुल 70% ही ड्राई होने दें, उससे ज़्यादा ड्राई ना होने दें अपने बालों पे, और आधा घंटा या पौना घंटा जैसे भी आपको महसूस हो कि हाँ ठीक है अब हल्का हल्का सूखने लगा है तो आप उसे इमीडिएटली वॉश कर दीजिए। तो चलिए ये था मेरा आज का हिना पेस्ट, और जैसा कि मैं अपना हिना पेस्ट यहाँ पर बना चुकी हूँ और साथ ही मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे हेयर इतने लॉन्ग हैं सो मेरे लिए ये हिना काफ़ी इनफ है। एक्चुअली इसमें भी थोड़ा बहुत तो बच ही जाएगा, सो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि जैसा भी आपको पेस्ट बनाना हो, और हाँ हो सके तो अपने पेस्ट में नेचुरल इंग्रेडिएंट ही इन्वॉल्व करें, बिकॉज ऑलरेडी पॉल्यूशन और केमिकल्स की वजह से हमारे हेयर डैमेज हो जाते हैं। तो मैं नेचुरल प्रोडक्ट से ही अपने हेयर्स को कंडीशनिंग करती हूँ और ट्रीट करती हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और आपको और भी कोई वीडियो देखनी हो तो मैं बिल्कुल आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। एंड सेकेंड मैं आपको बता दूँ कि मैं हर बार मेहंदी में अलग रूटीन फॉलो करती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं नेक्स्ट हिना पेस्ट रेडी करूँगी विद डिफरेंट इंग्रेडिएंट तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। तो अब हम मिलते हैं माई नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो अब हम मिलते हैं माई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।